जी हाँ दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी आयशा अकरम एक्सपोज्ड के ऊपर, यानी कि जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें से काफ़ी लोगों के मैसेजेस कमेंट्स वगैरह आए जो कि कुछ पॉजिटिव भी थे और कुछ नेगेटिव भी थे। यानी कुछ लोगों ने जो था आयशा को बुरा भला भी कहा और कुछ लोगों ने जो था इसकी सपोर्ट भी की, हमायत भी की। तो यार सबसे पहले ये चीज़ कि मैंने कोई भी बात जो थी है ना वो अपने से बना कर नहीं बताई, ठीक है। जो इस टाइम जो है ना वो लोग बोल रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रही हैं, जो मौजूद खवातीन यानी के मनारे पाकिस्तान के अंदर जिन औरतों ने ये चीज़ लाइव देखी है, ठीक है, वो अपना आंखों देखा हाल बता रही हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है, मैं वीडियो जो है वो प्ले कर दे तो आप इस वीडियो को देखें। उसकी बकायदा सारी आईडी देखी जाए कि वो किस तरह मुजरा कर रही है। और ये सारी टिकटॉकर्स ऐसी हैं कि खुद वहाशी फैलाती हैं, पाकिस्तान को खराब कर रही हैं, पाकिस्तान के मर्दों को बदनाम कर रही हैं और फिर बाद में कहती हैं कि हमारे साथ इस तरह की हरकत है। यानी कि इस वीडियो के अंदर मेरी बहन यही बता रही है कि उसने मतलब मर्दों को बदनाम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई जो भी है ना, अगर एक औरत की इज्जत पाकिस्तान में नहीं ना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर बाहर के मुमालिक में एक टिकटॉकर या औरत सऊदीया में जाकर ये चीज़ करो, दुबई में जाकर ये चीज़ करो, वहाँ पर उनको पता है कि भाई अगर उससे ज़्यादा जाहिल अवाम, इससे ज़्यादा जाहिल अवाम वहाँ पर होती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर मज़दूर तबके ही जाता है, ठीक है, वहाँ पर जाकर ये हरकत करो तो क्यों ना वो आपको काट ना दें, आपका काट के हाथ में ना पकड़ा दें, ठीक है। वहाँ पर सजाएं हैं, यहाँ पर जो है ना ये सजाएं नहीं है। यहाँ पर एक बच्ची के साथ गलत होता है, ठीक है, तो उसकी जो है वो यानी कि सुनवाई होती रहती है, मतलब लमक जाता है केस, उनको सज़ा नहीं मिलती, ठीक है। तो सबसे पहले जो है अगर ये मेरी बहन को आयशा को 400 लोगों ने जो है ना वो हाथ लगाया तो इनको जो है ना सरेआम इस्लामाबाद में डी चौक के सामने जो है ना नंगा करके लटका देना चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ और जो है ना वो देखनी चाहिए, यानी कि ताली जो है ना एक हाथ से नहीं बजती, हमेशा दो हाथों से बजती है, ठीक है। अब कुछ जो है वीडियोज़ आयशा के ख़िलाफ़ भी आई हैं, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड, ये सिक्योरिटी गार्ड की वीडियो देखें। लड़की चीप इशारे कर रही है, अच्छा लड़की को बीच में मौका भी मिला था लड़कों ने निकाला भी लड़कों ने निकाला अच्छा वो जान के नहीं जा रही। इसमें सिक्योरिटी गार्ड ने ये चीज़ बताई है कि कुछ लोगों ने जो था ना वो आयशा को बचा बचू के जो है मनारे पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया था, लेकिन ये खवातीन फिर वापस आती है। क्यों आती है इस पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ठीक है, कि यानी एक हजूम जो है वो लगा हुआ है, मर्दों का हजूम है, ठीक है, और एक औरत को बचा कर जो है वो बाहर निकाल दिया गया मनारे पाकिस्तान से, तो वो फिर पार्क में क्यों आती हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है, यानी यार एक औरत के साथ इतना बड़ा वाकया हुआ हो, यानी कि 400 जानवरों ने, जानवरों का इस्तेमाल लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, जानवरों ने हाथ लगाया है, तो वो कैसे 16 अगस्त को जो है वो इतने मतलब के अच्छे मुस्कुराहट मुंह पर है, ठीक है, और इतने अच्छे अंदाज में कैसे वो भाई 16 अगस्त को जो है वो अपनी फ़ोटो वगैरह अपलोड कर सकती हैं। फिर उसके टीममेट्स साथ थे, उसके टीममेट्स ने उसे जो है वो बचाया क्यों नहीं, बल्कि उसकी वीडियोज़ बनाते रहे हैं, ठीक है। यार पागल हो आप लोग, आपको पता है कि एक खवातीन के साथ ये हरकत हो रही है, उसे बचाओ, आप उसकी वीडियोस बना रहे हो। और आयशा जो है वो 16 यानी कि 17 अगस्त को जो है वो जब उनकी वीडियो वायरल हो जाती है, ठीक है, जब उनकी वीडियो वायरल हो जाती है तो वो 17 तारीख को जाकर कंप्लेन क्यों लिखवाती हैं भाई, 14 को ही क्यों नहीं लिखवाती, यानी कि 14 को अगर उनके साथ ये चीज़ हुई थी, ज्यादती हुई थी, तो उन्होंने 14 को ही कंप्लेन दर्ज क्यों नहीं करवाई। ये सारी चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और 400 वो जो लोग थे उनको तो मैं कहता हूँ कि भाई नंगा कर दो, मार दो, ठीक है, लटका दो, तो ये सज़ा भी मिलनी चाहिए। और अगर तो इस लड़की की भी थोड़ी सी जो है वो गलती है तो इससे भी पूछगिछ होनी चाहिए कि यार आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया, कहीं फेम हासिल करने के लिए तो नहीं किया। क्योंकि बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ भाई आ रही हैं आजकल हमारे सामने कि लोग फेम हासिल करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो मैं यही चीज़ कहूँगा कि इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा शेयर करो। और भाई ये जो थोड़ी बहुत ही रियलिटी है ना इस वीडियो के अंदर, ठीक है, वो भी लोगों को पता चल सके कि आखिरकार
कैसे एक औरत के साथ इतना बड़ा मतलब हादसा हो जाए और वो अगले दिन फोटो बनवा रही है, और जब एक औरत को मौका मिल जाए कि यार आप एक दफ़ा पाक से बाहर निकाल दिया जाए तो वो दूसरी दफ़ा क्यों पाक के अंदर आती है। ठीक है, फिर गलत इशारे, बहुत लोगों ने ये भी कहा है कि इसने आके फ्लाइंग किसेस दिए हैं, गलत इशारे किए हैं। ठीक है, तो क्यों किए भाई, क्यों जानवरों को जो था ना वो भूखे जानवरों को आपने उकसाया। ठीक है, इन सब की जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं आयशा को फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करूंगा क्योंकि एक औरत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो एक मैं कहता हूँ कि भाई नंगी भी खड़ी हो ना सामने, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि उसे जाकर फिर भी टच कर दें। ठीक है, तो ये इस चीज़ की जो है वो सज़ा उन लोगों को मिलनी चाहिए और 100% मिलनी चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। गॉड ब्लेस यू।